हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो चैनल. दिस इज होटल मैनेजमेंट गुरु एंड मैं विजय आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में. आज का जो हमने टॉपिक चूज किया है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट इनटू द एफएनबी सर्विस कॉन्सेप्ट. वो है व्हाट इज एफएनबी सर्विस डिपार्टमेंट और एफएनबी सर्विस डिपार्टमेंट के अंडर व्हाट ऑल सब डिपार्टमेंट्स आर कवर्ड. तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ऐसा टॉपिक मैंने लिखा हुआ है ऊपर आपको कि व्हाट इज एफएनबी सर्विस डिपार्टमेंट एंड इसके सब डिपार्टमेंट्स. तो नॉर्मली अगर हम बात करें पहले एफएनबी सर्विस डिपार्टमेंट की होटल के अंदर, तो एफएनबी सर्विस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे लोग, चाहे वो होटल के अंदर स्टे कर रहे हो या आप कह सकते हैं या होटल के लोकलाइट या होटल से बाहर के लोग हैं, एक्सटर्नल गेस्ट, वो होटल के अंदर आते हैं इन टर्म्स ऑफ खाना खाने के लिए, फूड एंड बेवरेज सर्विसेज को अवेल करने के लिए. तो उसके लिए हमने ये एफएनबी सर्विस डिपार्टमेंट बनाया है. अगर मैं ब्रॉडली बात करूं एक होटल को, तो होटल के लिए जो गेस्ट होते हैं वो बेसिकली आते किस पर्पसेस के लिए, नंबर वन अकोमोडेशन के लिए. उनका पहला प्राइमरी फोकस क्या होता है, वो अकोमोडेशन के लिए, मींस रूम के लिए आते हैं. दे हैव टू कम टू द होटल टू इदर बुक अ रूम, नंबर वन. नंबर टू जो मैं अभी आज डिस्कस करूंगा वो है फूड एंड बेवरेज सर्विसेज की फैसिलिटीज को अवेल करने के लिए आते हैं. रेस्टोरेंट्स के अंदर आते हैं, दे एंजॉय द मील्स. बार होता है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होते हैं रेस्टोरेंट्स के अंदर, तो वो हम डिस्कस करेंगे. और तीसरी चीज, होटल में जो लोग आते हैं बेसिकली वो आते क्यों हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज को, फन एक्टिविटीज को पार्टिसिपेट करने के लिए या अपने रिलैक्स माइंड को रिलैक्स करने के लिए. दे टेक दीज काइंड्स ऑफ फैसिलिटीज इन द होटल. नंबर वन बात करूं स्पा, एज यू आर अवेयर स्पा क्या होता है, स्पा इज अ काइंड ऑफ अ प्लेस जहां पे पीपल गेट रिलैक्स्ड थ्रू ट्रीटमेंट्स, पार्ट ट्रीटमेंट्स होती है, थेरेपीज होती हैं, मसाजेज होती हैं, तो वो उसकी मेंबरशिप लेने के लिए लोग आते हैं होटल के अंदर. दूसरी चीज, होटल के अंदर यू हैव स्विमिंग पूल्स, तो लोग रिफ्रेश होने के लिए स्विमिंग पूल की फैसिलिटीज लेते हैं. तीसरी चीज जो लोग यूज करते हैं वो है हेल्थ क्लब्स या फिटनेस सेंटर, नॉर्मली हम बात करूँ जिम फैसिलिटीज की. तो होटल के अंदर लोग तीन कामों के लिए आते हैं, रूम बुक करने के लिए, खाने पीने के लिए, और तीसरी चीज दूसरी अदर एक्टिविटीज जो कि लेजर एक्टिविटीज हैं, जो कि एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए, रिलैक्स पर्पसेस के लिए उनको यूज करने के लिए आते हैं. तो अगर मैं बात करूं एफएनबी सर्विस डिपार्टमेंट की, तो एफएनबी सर्विस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि गेस्ट का खाने पीने का ध्यान रखता है. जो भी गेस्ट हमारे होटल के अंदर आएगा उसका, अगर उसको फूड एंड बेवरेज की फैसिलिटीज अवेल करनी है, तो ये डिपार्टमेंट हमारा स्पेशली तैनात होता है विद इट्स स्टीवर्ड्स इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ आउटलेट्स, चाहे रेस्टोरेंट्स हो, चाहे बार हो, चाहे रूम सर्विस हो, तो डिफरेंट फैसिलिटीज. इसीलिए मैंने लिखा हुआ है ओवरऑल डाइनिंग एक्सपीरियंस के लिए, चाहे वो गेस्ट इंटरनल हो या एक्सटर्नल. इंटरनल गेस्ट मीन्स जो होटल के अंदर ठहरा हुआ है, और एक्सटर्नल गेस्ट मीन्स जो वहां के लोकलाइट्स है. दूसरी चीज एफ एन बी सर्विस फूड एंड बेवरेजेस. तो ये है हमारा F&B सर्विस डिपार्टमेंट. बहुत ही मेजर रोल है F&B सर्विस डिपार्टमेंट का, क्योंकि रेवेन्यू भी जनरेट होता है होटल को यहाँ से, और दूसरी चीज गेस्ट की एक्सपेक्टेशंस होती हैं. प्राइमरी जो मेन हमारा फोकस है दैट इज अकोमोडेशन, तो रहने के साथ साथ उनको खाने की भी जरूरत होती है, F&B सर्विसेज की भी उनको जरूरत पड़ती है, तो वो उसको यूज करने के लिए होटल के अंदर आते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट F&B सर्विस डिपार्टमेंट. अगर मैं बात करूं इसके सब डिपार्टमेंट्स की, मींस एफएनबी सर्विस के अंदर कौन कौन से आउटलेट्स होते हैं, कौन कौन से सेक्शंस होते हैं, कौन कौन से रेस्टोरेंट्स हैं, तो वो हम अभी इस वीडियो के थ्रू कवर करने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखूंगे, अगर आप लिखा है रेस्टोरेंट्स बेसिकली कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, स्टैंडअलोन्स भी होते हैं. ये एक ऐसे आउटलेट्स होते हैं जो कि कमर्शियल पर्पसेस के लिए बनाए गए हैं, जहां पे गेस्ट आके अपना फूड एंड बेवरेज फैसिलिटीज अवेल करता है. तो रेस्टोरेंट्स के अंदर हमारे पास कॉफी शॉप्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट्स. 24/7/365 रनिंग ऑपरेशंस ये रन करते हैं. स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स, या कहें फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स, या कहें थीम रेस्टोरेंट्स, ये एक ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो कि नॉर्मली विद इन अ डे में मोस्टली इवनिंग के टाइम पे ही खुलते हैं, और स्पेशल टाइप ऑफ कुजीन या किसी पर्टिकुलर थीम के ऊपर सेटअप होते हैं. थीम बोले तो जैसे इंडियन कुजीन है, कॉन्टिनेंटल है, चाइनीज है, तो दीज आर बेसिकली द थीम्स ऑन विच अ पर्टिकुलर रेस्टोरेंट इज सेट अप. तो दे प्रोवाइड फूड अकॉर्डिंग टू देयर कुजीन. तो ये हो गया हमारे स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स. फाइन डाइनिंग भी वही बात है ऑलमोस्ट, थीम्स रेस्टोरेंट्स भी ऑलमोस्ट हमारे सेम ही है स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स में बुरा. अब बारी आती है रूम सर्विस की स्लैश IRD. IRD इज अ प्रोफेशनल टर्म फॉर रूम सर्विस,
जो भी होटल में गेस्ट कमरा लेके रहेगा, इफ ही स्टेइंग विद अस इन अ रूम, तो ही माइट रिक्वायर रूम सर्विस, मींस घर रूम पे बैठे बैठे ही कैन ऑर्डर फूड. तो फूड ऑर्डर करने के लिए ही हैज टू डायल अ नंबर व्हिच कनेक्ट्स, व्हिच इज जो फोन रखा होता है रूम्स के अंदर, वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट होता है हमारा रूम सर्विस के अंदर. एक सेक्शन बना है बैक ऑफ द हाउस में होटल के, जहां पे ऑपरेटर ऑर्डर लेता है, रूम सर्विस ऑपरेटर ऑर्डर लेता है एंड उसकी नीड्स के हिसाब से उसको खाना उसके रूम तक पहुंचाया जाता है. और ये जो रूम सर्विस है, दिस इज लिटिल बिट मोर कॉस्टली एज कंपेयर टू द कॉफी शॉप एंड लिटिल बिट ऑफ समवेयर इक्वल टू स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, उससे थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है उसके मेन्यू के रेट्स. अगर बात करूं बार, बार भी एक तरह की कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट है. यहाँ पे लोग बेसिकली अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस को कंज्यूम करने के लिए या रिलैक्स होने के लिए दे कम टू दिस पर्टिकुलर प्लेस व्हिच इज अ बार. यहाँ पे गेस्ट कैन एंजॉय ड्रिंक्स, चाहे वो कॉकटेल्स हैं, चाहे वो मॉकटेल्स हैं, चाहे बियर्स हैं, स्पिरिट्स हैं, वाइन्स हैं, शैंपेन्स हैं, अलग अलग तरह की अल्कोहलिक या मॉकटेल्स या जूसेस ये अवेल कर सकते हैं. और साथ में यहाँ पे उनको खाने पीने के लिए दे कैन हैव सम स्नैक्स. स्नैक्स बोले तो इंडियन कॉन्टिनेंटल, डिपेंड्स अपॉन द मेन्यू व्हिच दे हैव फॉर बार. देन वी हैव बैंक्वेट्स. बैंक्वेट्स की बात करें तो बैंक्वेट्स एक एफएनबी सर्विस का सबसे ज्यादा मोस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग डिपार्टमेंट है, सब डिपार्टमेंट है. यहाँ पे बैंक्वेट्स आर मेंट स्पेशली मेंट फॉर लार्ज गैदरिंग, टू केटर लार्ज गैदरिंग. नॉर्मली यहाँ पे जो लोग हैं, दीज आर ह्यूज हॉल्स, बड़े बड़े हॉल्स होते हैं जहाँ पे मैरिज फंक्शंस होते हैं, इवेंट्स होते हैं, आपके फेयर्स फेस्टिवल्स होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, कुछ भी बड़ा लार्ज स्केल पे हमने गैदरिंग करनी है तो उसके लिए यू हैव अ फैसिलिटी जहाँ पे लोग बैंक्वेट्स को यूज करते हैं. साथ में यहाँ पे यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ सेटअप, डिफरेंट सेटअप्स होते हैं, डिपेंड्स कि क्या उनका ओकेजन है, किस पर्पज के लिए वो बना रहे हैं, किस पर्पज के लिए उन्होंने वो हॉल बुक किया है. तो अकॉर्डिंगली बैंक्वेट्स आपके लार्ज गैदरिंग फंक्शंस के लिए हम इनको यूज करते हैं. लाउंज की बात करूं, लाउंज भी एक एफएनबी सर्विस का ही पार्ट है. यहाँ पे लाउंज दो तरह के होते हैं. एक होता है लॉबी लाउंज, जो कि बेसिकली गेस्ट के लिए बनाया गया है, जो वेटिंग एरिया, जो लॉबी में जो गेस्ट वेट करते हैं उनके लिए, रिफ्रेशमेंट्स के लिए, टी कॉफी के लिए, सम बेकरी आइटम्स के लिए, उनके खाने के लिए कुछ मेन्यू आइटम्स अलॉन्ग विद द ड्रिंक्स बेवरेजेस हम लाउंजेस में देते हैं, दैट इज लॉबी लाउंज. दूसरा है एग्जीक्यूटिव लाउंज. ये एग्जीक्यूटिव लाउंज जो है, ये एक ऐसी फैसिलिटी है जो कि बेसिकली आपके रूम गेस्ट के लिए ही बनाई गई है. और ये आपके होटल जो फ्लोर्स होते हैं, रूम फ्लोर्स होते हैं, उसके इट इज नॉट एट द लॉबी लेवल, इट इज अबव द रूम लेवल्स, रूम के फ्लोर के ऊपर होती है. वहां पे जिस उसको, जिस गेस्ट को एक्सेस है वही गेस्ट इसको यूज कर सकता है. और लाउंज में गेस्ट एक तरह का वीआईपी एरिया है, स्पेशलिटी एरिया है, जहां पे उनकी डाइनिंग एक्सपीरियंस, उनका लैंडस्केप, उनका व्यू, सिटी का व्यू, इट्स ऑन द अपर फ्लोर्स, तो वहां का सीनिक ब्यूटी प्लस रिलैक्सिंग, बहुत अच्छी फैसिलिटीज होती हैं लाउंज में. और इवनिंग के टाइम में लाउंज में यू हैव हैप्पी आवर्स, जहां पे गेस्ट कैन एंजॉय ड्रिंक्स, हैप्पी आवर ड्रिंक्स एंजॉय कर सकते हैं अलोंग विद द लाइव स्नैक्स आल्सो. तो वो है लाउंजेस. अगर बात करूं कैसीनोज, ये जो वर्ड है कैसीनोज, ये अभी इंडिया के अंदर इतना ट्रेंड में नहीं है. देयर आर फ्यू होटल जहां पे यू हैव कैसीनोज आल्सो, बट अगर मैं बात करूं इंडिया में, इट इज नॉट अ ट्रेंडिंग पार्ट, बट अब्रॉड में इन एवरी होटल यू विल फाइंड कैसीनोज, जो बेसिकली आपने मूवीज में भी देखा होगा, जेम्स बॉन्ड की मूवी में देखा होगा, जहां पे लोग आते हैं गैम्बल पर्पसेस के लिए, अपना पैसा स्पेंड करते हैं, दे अर्न मनी, चिप्स लेते हैं एंड देन वो रिफ्रेशमेंट की तरह से उसको यूज करते हैं एंटरटेनमेंट के लिए. देन दीज आर द थ्री वर्ड्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाइट क्लब्स, डिस्कोथेक्स एंड पब्स. ये नॉर्मली जो है नाइट क्लब्स, डिस्कोथेक्स एंड पब्स, ये जनरली इवनिंग के टाइम पे ही ऑपरेट होते हैं. यहाँ पे आपको क्राउड जो है यंग क्राउड मिलेगा. यहाँ पे मैक्सिमम हमारा फोकस नाइट क्लब्स के लिए, तो लाइव परफॉर्मेंसेस होती हैं. नाइट क्लब बने ही उस पर्पसेस के लिए हैं कि पीपल कैन कम एंड सिट डाउन ऑन अ टेबल, एंजॉय करें, ड्रिंक्स एंजॉय करें, और साथ में दे कैन यूज द फैसिलिटीज ऑफ लाइव बैंड, ऑडियंसेस भी हो सकती हैं, लाइव अटेंडेंस होती है उसकी, जो भी आपको कॉन्सर्ट्स होते हैं या कह सकते हैं जो भी इसके अंदर जो गेस्ट कॉमेडी सेशंस होते हैं, तो यहाँ पे गेस्ट लाइव म्यूजिक या लाइव परफॉर्मेंसेस देख सकता है. डिस्कोथेक्स वहां पे उल्टा है. डिस्कोथेक्स में बेसिकली रिकॉर्डेड म्यूजिक प्ले होता है, एक तरह का डीजे ही है, एक कॉमन प्लेटफॉर्म दिया जाता है, वहां पे लोग अपने ड्रिंक्स एंजॉय करते हैं और साथ में दे डांस.
डिस्कोथेक्स रिकॉर्डेड म्यूजिक प्ले होता है. पब्स आर ऑल्सो द सेम थिंग. तो आई थिंक मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ, F&B सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर जो सेक्शंस आते हैं वो है रेस्टोरेंट्स, जिसमें कॉफी शॉप नंबर 1 है, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट नंबर 2 है, रूम सर्विस विच इज ऑल्सो नोन एज इन रूम डाइनिंग तीसरा है, बार है, बैंक्वेट्स हैं, लाउंजेस हैं, कैसिनोज हैं, नाइट क्लब्स हैं, डिस्कोथेक्स हैं एंड पब्स हैं. तो ऑल दीज आर द आउटलेट्स विच कम्स अंडर F&B सर्विस डिपार्टमेंट. I hope you guys have understood. अगर फिर भी कुछ नहीं पता लगता है तो you can drop me a message and I will answer that question. और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो please guys like करिए, subscribe करिए and share जरूर करिए and please let me know on which other topic should I make the video. Thank you so much for today. Have a nice day. Enjoy.